पता नहीं, मैनू इंज लग रहा कि माही ने कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन मतलब जो भी कहा वो ठीक किया माही ने। हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं माही। एक बार फिर से सोनी से मिलने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है इस बार तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं मम्मी जी, मुझे सोनी से कोई बात नहीं करनी। बहुत गिड़गिड़ा लिया, बहुत मिन्नतें मांगी, अब नहीं। अब मैं अपने वादे को निभाऊंगी, हिप्सिता को यहां हमेशा के लिए लेकर आऊंगी। माही जज्बात में आकर कुछ भी मत कहो, तुम जानती हो ना ये किस हद तक गिर सकते हैं। ये सब पैसों का खेल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बेहतर यही होगा कि तुम भूल जाओ सारी बातें। इप्सिता को भी भूल जाओ? कैसे भूल जाओ शब, वो मेरी बेटी है। शब्द आप भी जानते कि हमने इप्सिता को हंसते हंसते उनकी गोद में दे दिया था। हाँ ये बात सच है कि हम इप्सिता को मांगने गए थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने मना कर दिया फिर हम दोबारा कभी उनके पास नहीं गए। उन्होंने हम पर कितना घिनौना इल्जाम लगाया, क्यों आपको हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्यों आपको को मजबूर कर दिया कि वो पेपर्स आप साइन कर लो। नहीं शक, मैं ये सब नहीं भूल सकती। वो लोग इप्सिता को रखने के लायक नहीं है शक, इसीलिए मैं इप्सिता को यहाँ अपने पास वापस लेकर आऊंगी। माही वो लोग बहुत पहुंचे हुए हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता शक, मैं अपने वादे को पूरा कर रहूंगी। कैसे कैसे लेके आओगी इप्सिता को? उसे किडनैप करके। साम, एक्चुअली जो भी टीना, जस्ट गो अवे। अगर तुम मेरे साथ लंदन नहीं चलना चाहती हो तो फिर मत आना। ये समझ लेना कि हम दोनों का मिलना एक बहुत बड़ी गलती थी, और भूल जाना इसे हमेशा हमेशा के लिए। सम, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा मैं नहीं, ऐसा तुम कह रही हो। ओ सुखी, वो देख, पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही हैं। मैं ना कई दिनों से देख रही हूँ इनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है। सैम है ना, वो बड़ा चिढ़ा हुआ सा है, और टीना भी बड़ी उदास लगती है। पता नहीं की गल है। तुसी बेफिक्र रहो बीजी, ऐसो किसिंग है ना, इन दोनों की तकलीफ यूं दूर कर देगा। ठीक है सैम, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं अंदर जा रही हूँ। ओ जी, ऐसे कैसे घर के अंदर जा सकते हो जी आप, हैं? ओए लैला मजनू, ओ जी कल तक तो एक दूसरे के प्यार में इतने खोए हुए थे जैसे दुनिया में और कोई है ही नहीं। ओ जी आज क्या हो गया? आज एक इत्थे देख रहे थे कुत्ते। ओ जी जहाँ सुखी होता है ना वहां कोई दुखी नहीं होता। यारा प्यार के बारे में ना मेरी ज्यादा समझ है नहीं, और मेरा रब कहता कि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है और बड़ी आसानी से छूट जाता। मुझे ऐसे छोटी छोटी बातों पे टकराने नहीं होती, वरना वरना एक दूसरे के लिए जो फीलिंग होती है ना उसे कम होने में वक्त नहीं लगता। और जी एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हैं? लाओ जी हाथ लाओ, हाथ लाओ जी। लाओ जी हाथ, ये लो जी आपका प्यार। अब इन्हें दूर मत जाने दें। अब बोलो जी, सॉरी बोलो। पर सामने टीना जी, वो प्यार में ना कोई सच्चा कोई झूठा नहीं होता, बस एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। सॉरी बोल दो जी। सॉरी। अब बोलो क्या जी? आई लव यू जी। और जी सैम से कहो ना आई लव यू सैम।
आई लव यू टीना। अब सारी बातें मैं ही बोलूंगा क्या? अब मुझे दफा होने के लिए कौन कहेगा? है? चलो खुद ही हो जाते। रुको सुखी, टीना तुम अंदर जाओ। सुखी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ओ बोल यारा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूं? ट्रिक कर रहे हो तुम टीना के दिल के साथ। तुम देसी लोग भोली लड़कियों के साथ ऐसा खेल खेलना अच्छी तरह से जानते हो। बट आई विल नॉट अलाउ दैट। ओके? वो नहीं साम यारा, तू गलत समझ रहा है यार। मैं तो बस टीना जी और आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए वो हर बात पे तुम्हारा नाम लेती है। सुखी ये, सुखी वो, सुखी ऐसा है, सुखी वैसा है, बदल चुकी है वो, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे साथ लंदन चलने में खुश नहीं है वो। अगर तुमने उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं भरी होती ना, तो वो ऐसा कभी नहीं करती। लिसन यू बफेलो गाय, तुम्हें अपनी औकात का पता होना चाहिए। टीना तुम्हारे साथ यहां पे कभी खुश नहीं रह सकती। सो तुम ही उसके दिमाग में ये बात डालोगे कि उसे मेरे साथ लंदन चलना चाहिए, ये उसका आखिरी मौका होगा। अंडरस्टैंड? पांडे जी, कल की पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? जी हाँ, मैंने पूरी तैयारी करवा दी है। पंडित जी, ये पूजा इस घर की बेटी की अन्नप्राशन की पूजा है। कल बड़ा यज्ञ भी है, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बहन जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई कमी नहीं होगी। मैं ये अन्नप्राशन संस्कार पूरे शास्त्र और विधि से संपन्न कराऊंगा। कल सुबह 11 बजे का शुभ मुहूर्त है, मैं तय समय पर आ जाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूं। जी, जय श्री कृष्ण। ईशाना, ये तुम्हारी पहली अन्नप्राशन की विधि है, देखना वाहेगुरु बहुत सारी खुशियां देंगे तुम्हें। ईशाना बेटी, पापा के हाथ से खीर खाएंगे। ईशाना अपने पापा को माफ कर देना, हमारी ये रस्म भी हम ठीक ठाक से मना नहीं पाए। ईशाना अपने पापा से कहो बेटा, ये रस्म तो अपनों की नजदीकियों से खास बनती है, और हम सब है ना इसे खास बनाने के लिए। अच्छा भाई, अब इस थाली में 3 चीजें हैं। जिस चीज को ये बच्ची छुएगी, मतलब ये कि वो इसकी पसंद की चीज है, और जीवन भर इसकी रुचि उस चीज में होगी। ये लो, लो जी। आजा पुत्र, हाथ लगा। देखा, पंडित जी ने ठीक ही कहा था, ये हमारी सरस्वती है, सरस्वती। और मुझे यकीन है वहां इप्सिता ने भी अपने पसंद की चीज ही चुनी होगी।
पंडित जी, अन्नप्राशन की विधि तो समाप्त होगी, अब हम शुरू कीजिए। जी आप सभी लोग हवन कुंड में आहुति अर्पण करेंगे। इसके लिए आप लोग हवन सामग्री को अपने अपने हाथों में ले लीजिए। पंडित जी, हवन कुंड में क्या हो रहा है? ये सब क्या है पंडित जी? वही तो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। अरे पुत्र, यहाँ बहुत दुआ हो गया, इप्सिता को बेटा रूम में ले जाइए, आप बीमार हो जाएंगे। सोनी, शायद ये आखिरी बार मैं तुम्हें देख रही हूं। पुत्र, सारे खिड़कियां दरवाजे खोल दो, धुआं सारा बाहर चला जाएगा। पुत्र, तू भी जाके इप्सिता को ले, हवन की तैयारी करिए पंडित जी। इप्सिता,
हर्षिता। जीत, 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 हमें जीत। हर्षिता कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ है। क्या?